लीनियर इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम की तरफ, आगे की तरफ। देखिए हमारे पास कुछ यहां पर प्रॉब्लम है जिसको मैं लीनियर इनइक्वालिटीज के तरफ से सॉल्व करना करके दिखाऊंगा, ठीक है। और इसके बेसिस पर आप लोग समझेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले दो छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज है जरूरी नहीं कि ग्रेटर देन है तो हमेशा ग्रेटर देन ही रहेगा। ये अपने नेचर को चेंज भी कर सकता है, ग्रेटर देन लेस देन में भी कन्वर्ट हो सकता है और लेस देन ग्रेटर देन में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस बात की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए कि कहां पर ये चेंज होता है। चलिए पहले ये चीज को देख लेते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास एक इनइक्वालिटीज है 5 > 2। सभी को आता है बचपन में क्लास 1-2 में तो बहुत लोग सीखे होंगे, है ना, कि दोनों में से जो बड़ा है साइन लगाइए। बच्चा को तुम्हें तो ठीक एकदम मजा आता था बनाने से। अच्छा चलिए अब हम अगर कहें कि दोनों तरफ हम -1 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा -5, यहां हो जाएगा -2। अब साइन बताइए कौन सा तरफ लगेगा, -5 की तरफ या -2 की तरफ, कौन ग्रेटर है? अब आपका जवाब होगा इधर, -2 ज्यादा बड़ा है -5 से। क्या हुआ, साइन बदल गया ना। ठीक उसी तरह से अगर मैं बोलू कि 5 > 2 है, इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए, उलट दिया जाए, ये कितना हो जाएगा 1/5, ये कितना हो जाएगा 1/2। 1/5 का वैल्यू कितना होता है 0.2, 1/2 का वैल्यू कितना होता है 0.5। फिर से क्या हुआ, इनइक्वालिटीज बदल गया। इसका मतलब है कि दो सिचुएशन में इनइक्वालिटी चेंज हो सकता है, जो उसका प्रीवियस है चेंज होकर के नेक्स्ट में चला जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन में हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस किस सिचुएशन में, दो सिचुएशन। पहला, अगर हम क्या करते हैं इनइक्वालिटीज को दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में। दूसरा, अगर हम क्या करते हैं कि रेसिप्रोकल कर देते हैं तो उस सिचुएशन में भी इनइक्वालिटीज क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, अपने ठीक विपरीत हो जाता है, अपोजिट में चला जाता है। क्लियर है, ठीक है। इस दो बात को हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी इनइक्वालिटीज का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जहां पर भी होगा, ठीक है। आगे चल करके क्लास 12 में डोमेन रेंज पर चर्चा होगी, तो डोमेन निकालने के लिए ये चीज तो खैर बहुत मस्त है। आपको पूरा का पूरा इनइक्वालिटीज का नॉलेज अच्छा से होना चाहिए, तभी आप डोमेन और रेंज एकदम अच्छे से निकाल सकते हैं। और डोमेन रेंज आईआईटी के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ध्यान रहेगा कि माइनस और रेसिप्रोकल दो सिचुएशन में हमेशा क्या करना है, इनइक्वालिटीज को चेंज कर देना है। ऐसा नहीं कि इससे इतना डर जाना है कि माइनस देखते के साथ उलट दिए, तब फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास दिया हुआ 5x < 24, ठीक है, 5x < 24, ठीक है। और यहां पर एक छोटा सा कंडीशन डाल दिया है कि x belongs to n, n means नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एक्स इंडिकेट करते हैं, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, द नंबर ऑफ काउंटिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितना भी काउंटिंग का नंबर है सबको नेचुरल नंबर कहते हैं। जीरो इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा, उसको कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और यहां पर आर दिख रहा हुआ आप लोगों को, आर का मतलब होता है रियल नंबर। इसका मतलब जितना भी टोटल नंबर है सभी को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। रेशनल हो इरेशनल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी को रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर अगर हमको x का वैल्यू चाहिए तो x का वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवीजन करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24/5। अच्छा एक बात का और ध्यान देंगे, जैसा कि हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं कि 5x = 24x = 24/5, ये हम डायरेक्टली यहां पहुंच जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम लोग स्टेप बचाने के लिए क्या करते हैं, बचपन में सिखा दिया जाता है, मास्टर लोग बोलता है जितना इधर है गुना में है उधर ले जाओ भागा हो जाएगा, जोड़ में है ले जाओ घटाव हो जाएगा, घटाव में है ले जाओ जोड़ हो जाएगा, है ना, डिवाइड में है उधर लेके जाओ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे, इस चीज को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग क्लास स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड 11th के स्टूडेंट है, तो आपको छोटा से छोटा जानकारी जानना चाहिए। आखिर हम क्यों कर रहे हैं, उसका कोई लॉजिक भी है कि नहीं, कि झुट्टो का जो बोला जा रहा है सिर्फ फॉलोअर बनते चले जा रहे हैं, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूं जिन लोगों को मालूम नहीं है। देखिए जैसे कि मैं देख रहा हूं कि x प्लस 5 इक्वल टू सपोज दैट 7, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे डायरेक्टली x इक्वल टू 2 लिख देंगे और बहुत सही है, ठीक है, आपका टाइम बचाना वो एकदम बिल्कुल सही, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमको x का वैल्यू चाहिए तो हमको यहां पर x को अकेला छोड़ना पड़ेगा, मतलब यहां से 5 हमको हटाना है। 5 हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 से भाग करेंगे तो 5 हट जाएगा, नहीं, हम यहां पर 5 जो पहले से प्रेजेंट है हम 5 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब इक्वालिटीज का रूल क्या है, मान लिया जाए तराजू पर हम कोई भी सामान रखें, इक्वल बैलेंस करना है, तो जितना हम इधर घटाएं उतना भी उधर ही घटाना पड़ेगा, आरएचएस में भी, तब तो जाकर के बैलेंस होगा। तो इधर भी हम क्या करते हैं, उतना ही माइनस करते हैं जितना लेफ्ट साइड की। अब देखिए 5 से 5 चला गया, x इक्वल टू आ गया 2, बस इसी चीज को क्या कर दिया जाता है, डायरेक्ट कर दिया जाता है उसी तरह से मल्टीप्लाई। जैसे कि 5x इक्वल टू 24 है, तो हमको यहां से 5 हटाना है, सिर्फ x रखना है, तो 5 से डिवीजन करना होगा दोनों साइड, 5 से 5 चला गया, यहां पर आ गया 24/5, ठीक है, इसीलिए मल्टीप्लाई उधर जाकर के डिवाइड बन जाता है, डिवाइड उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस इस तरफ आकर के माइनस हो जाता है, माइनस चेंज करके प्लस हो जाता है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, तो हमारे पास x लेस देन इक्वल टू आ गया 24/5, 24/5 मीन्स क्या हो गया 4.8, डिवाइड करेंगे तो, अब 4.8 तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो हमको चाहिए 4.8 से छोटा, तो 4.8 से छोटा क्या मिलेगा हमको, 4.8 से छोटा 4 हो सकता है नेचुरल नंबर में, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 होगा नहीं होगा, 0 होल नंबर में चला जाता है। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या क्या आया निकल करके, x का वैल्यू 4 को निकल करके आया, कौन कौन सा है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, ये नहीं होगा। एक तो पहला बात लेस देन का सिर्फ बात किया, तो लेस देन का मतलब उसको तो इंक्लूड करेंगे नहीं, और 4.8 से छोटा 4.7 हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल नंबर है ही नहीं, और x हमको सिर्फ नेचुरल नंबर में चाहिए, तो 4.8 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 तो नेचुरल नंबर है नहीं, माइनस भी नेचुरल नंबर है नहीं, इसलिए 1 पर आकर के रुक जाएगा। ठीक है, इसके पास कितना 4 सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन सेट हो गया। ठीक है, अगर इसी को हमको क्या लिखना है, इंटरवल्स में लिखना है, कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 1, 2, 4, जिसमें 1 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी 1, 2, 5, 5 के पास क्या लगा दिए, ओपन इंटरवल लगा दिए, इसका मतलब 1 से शुरू करेंगे और 5 से पहले तक उसको छोड़ देंगे। कई तरीके लिखने का, जैसा ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आपको लिखना होगा। ठीक है, ये तो रहा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत सिंपल था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ करते हैं, हमारे पास क्या है, 1/x-2 लेस देन इक्वल टू 0, अब इस बार x क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, चलिए अभी जस्ट मैंने बताया कि रेसिप्रोकल को अगर हम उल्टा करेंगे या किसी नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, वही यहां करने जा रहे हैं, 1/x-2 है, हम इसको लिख सकते हैं x-2> = 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे ही उल्टा होगा इसका साइन क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, और तब हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं x > 2, ठीक है, हम यहां पर से बना सकते हैं, लेकिन लेकिन क्या है, यहां पर हमारे पास ये वेरिएबल है। ठीक है, हम जैसे कि मैंने क्या बताया, यहां पर 2 रखेंगे, यहां से ग्रेटर देन है, इक्वल टू भी है, तो x का वैल्यू 2 से इंफिनिटी। ठीक है, यहां तक मैंने बना दिया, लेकिन यहां पर बात आ जाती है कि x को तो वैल्यू हमको मालूम है नहीं, एग्जैक्टली x है क्या, यहां पर x पॉजिटिव है, x निगेटिव है, तो उल्टा करने के बाद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटीड है नहीं। तो ये जो सॉल्यूशन होता है देखने में सही लगता है, लेकिन ये रॉन्ग भी हो सकता है। चलिए इसके दूसरे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है, रेसिप्रोकल p/q के फॉर्म में है। ठीक है,
और सबको पता है कि रैशनल नंबर भी p by q के फॉर्म में होता है, इन विच q डज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि x माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो जैसे ही करेंगे, x का वैल्यू क्या हो गया, 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहां क्या करें, x का वैल्यू 2 के बराबर होना चाहिए, वायलेट हो गया। बाद में यहीं पर वायलेशन होना शुरू हो गया, कहता है x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, बात सही भी है। अगर x का वैल्यू यहां 2 रख देते हैं तो 1/2 - 2 कितना, 1/0, एंड 1/0 मीन्स इंफिनिटी, पूरा का पूरा इंफिनिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, उसका अंत हो जाएगा, तो हमको 2 तो रखना नहीं है, यानी कि ये तो सही कह रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में अगर रेसिप्रोकल में वेरिएबल है, इसको उल्टा करने का काम नहीं करेंगे, ठीक है। मे बी कभी कभी आंसर लक वाइज सही हो भी सकता है, बट ऑलवेज नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल हम कर सकते हैं कब, जब हमारे पास क्या हो, नंबर हो, सिर्फ वेरिएबल होगा तो रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। अगर ये x माइनस टू इक्वल टू जीरो होता तो x का वैल्यू कितना निकल कर आता, 2 निकल करके आता, ठीक है, x का वैल्यू 2 निकल करके आता, लगा दिए उस तरफ इंफिनिटी और इस तरफ माइनस इंफिनिटी। अब इसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए थोड़ा सा चिंतन करेंगे, ठीक है, क्या कि अगर 2 से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे किसमें, इस इन इक्वेशन में, तो हमको क्या प्राप्त होगा। अगर 2 से ग्रेटर 3 रखें तो 1/3 - 2, 1/1 पॉजिटिव वैल्यू मिला, इसलिए ये इंटरवल आ गया पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा पहले भी यूज कर सकते थे, ठीक है, नहीं भी कर सकते कोई दिक्कत है, लेकिन यहां पर यूज करना कंपलसरी होगा, ठीक। दूसरा देखा जाए फिर क्या, अगर 2 से हम छोटा वैल्यू रखेंगे तब क्या हमको मिलेगा, 2 से छोटा रखेंगे यानी कि 1 अगर हम रखेंगे, यहां पर 1 रखने पर 1 - 2, 1/-1 क्या मिल रहा है, निगेटिव, मतलब ये इंटरवल हमारा कैसा आ गया, निगेटिव, मतलब 2 से छोटा कुछ भी वैल्यू रखेंगे ये निगेटिव देगा, और 2 से बड़ा कुछ भी रखेंगे ये पॉजिटिव देगा। तो हम इस इंटरवल्स को क्या किए, साइन स्कीम में हम कन्वर्ट कर दिए। अब हमको रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट है लेस देन जीरो का। लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, हमको लेस देन का मतलब क्या मैंने बताया कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, वो चुनाव करना था, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब हो गया जीरो से छोटा, और जीरो से छोटा का मतलब होता है निगेटिव, माइनस होता है, तो माइनस का साइन किधर है, इस तरफ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके जितना भी साइन स्कीम है इसको माइनस की तरफ फैला देंगे। इसलिए मैंने कहा था कि अगर लेस देन जीरो हो तो लेफ्ट साइड चले जाइए, ग्रेटर देन जीरो हो तो राइट साइड चले जाइए, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो का मतलब 1, 2, 3, 4 प्लस में, प्लस की तरफ भाग जाता, ठीक है। लेस देन जीरो का मतलब -1, -2, -3 माइनस की तरफ भाग जाता, ठीक है, कि कहां भाग गया, माइनस की तरफ भाग गया। अब 2 तो हम ले नहीं सकते इसलिए इसको रंगीन नहीं करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से 2 आ गया इसका आंसर, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक जाएगा, ठीक है। यहां से शुरू हुआ, यहां पर खत्म हो गया, 2 को लेना नहीं है क्योंकि साफ साफ कह दिया, ठीक है, इसलिए इसको हम यहां बंद कर देंगे, ठीक है, 2 इसका वैल्यू नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन देखते हैं और भी क्लियर होगा, जितना क्वेश्चन करेंगे आप लोग उतना ज्यादा ये क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल कि नहीं बनेगा, एकदम बिल्कुल बनेगा, इंसान से ही बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करते हैं, तो हमारे पास है 3 + 2x > -4 - 3x। चलिए इस x वाले टर्म को इधर और इस टर्म को इधर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2x + 3x, ये 3 इधर आकर के कितना हो जाएगा -4 - 3। अब यहां पर साइन नहीं बदल देना है, माइनस आया सर साइन बदल देना चाहिए, नहीं, हम यहां पर माइनस लाए हैं, इसको यहां पर से 3 घटा देंगे, ठीक है, माइनस से गुना नहीं किए, मैंने क्या बताया जब तक माइनस से गुना ना हो तब तक नहीं चेंज करना है, हम माइनस से गुना नहीं हुआ, हम सिर्फ 3 घटाए हैं, ठीक है ना, इसलिए हम साइन चेंज नहीं करना। कितना हो जाएगा 5x > -7x > -7/5, ठीक है।
अब इसको साइन सिंपल ले लेंगे, माइनस सेवन बाय फाइव, ठीक है, इस तरफ प्लस हो जाएगा, इस तरफ माइनस हो जाएगा। यहां पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोगों को सिखा देता हूं डायरेक्ट लिखना ही है, ठीक है, माइनस सात बटा पांच से राइट साइड, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक, हमारे पास क्या कह रहा है कि x का वैल्यू माइनस सात बटे पांच से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसे भी यहां पर हम लगाते हैं और पॉजिटिव साइड भागते हैं, है कि नहीं, और माइनस सात बटे पांच से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव की तरफ तो जाएगा कि नेगेटिव की तरफ जाएगा, माइनस सात बटा पांच माइनस वन पॉइंट टू, माइनस वन जीरो, वन टू थ्री फोर, कहां जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है, ये नेगेटिव की तरफ भाग रहा है, ठीक है। हमको ग्रेटर देन चाहिए था, पॉजिटिव वाला पोर्शन ले लिया, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया माइनस सेवन बटे फाइव टू इंफिनिटी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बस प्रश्न को कैसे डील करना है वो समझते जाइए, क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है यही इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास ये है 2x माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस नाइन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री प्लस फोर एक्स अपॉन थ्री, ठीक। तो ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, क्या एलसीएम ले लेते हैं, फोर एलसीएम आ जाएगा 2x माइनस थ्री प्लस थर्टी सिक्स, यहां पर थ्री नाइन प्लस फोर एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, कितना हो जाएगा 6x, 36 में से 3 गया तो माइनस 33, ठीक है, या फिर गुणा ही कर लेते हैं माइनस 9, और ये हो जाएगा 108, और इस तरफ हो जाएगा 36 और 16x, ठीक है। चलिए ऊपर वाला मिटा देते हैं, अब यहां पर देखिए 16x को इस तरफ लेकर के आते हैं तो माइनस 16x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, बाकी सबको इस तरफ लेकर के चलते हैं तो प्लस 9 और माइनस 108, यहां बचेगा हमारे पास माइनस 10x, यहां पर कितना बचेगा माइनस 72 और प्लस 9 मींस माइनस 63, ठीक है। अब यहां से हमको माइनस हटाना है, अब माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस वन इंटू माइनस वन दोनों तरफ, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा ये 10x और यहां पर साइन हो जाएगा चेंज। अब आई बात समझ में, कहां पर साइन चेंज करना है, जब तक माइनस से मल्टीप्लाई ना हो तब तक चेंज नहीं करना है, जैसे ही होगा चेंज कर देना है, यानी कि एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6.3। अब इसको सजा देते हैं, जैसे कि 6.3 यहां है, लेस देन की बात कर रहा है तो लेफ्ट साइड जाएगा, और इक्वल टू की भी बात कर रहा है इसको रख देंगे, तो हमारे पास ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, मीन्स हमारे पास कितना आ गया माइनस इनफाइनाइट से 6.3, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। मॉड का मतलब सभी को पता होगा कि मॉड के बाद जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है, चाहे प्लस 5 हो या माइनस 5 हो, सबका वैल्यू क्या आता है आउटपुट में प्लस नहीं आता है, लेकिन इनपुट तो कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इतना बात पता होगा। चलिए यहां पर हम क्या करेंगे, मॉड हटाएंगे, मॉड हटाने के बाद इसके पास आएगा एक प्लस का वैल्यू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 5, एक आएगा इसके आगे माइनस का वैल्यू, ठीक है। मॉड जैसे ही खत्म होगा, कहीं पर भी क्वेश्चन में मॉड मिले, मॉड अगर हटेगा तो एक प्लस और एक क्या आएगा माइनस आएगा, तो हमारे पास आ गया। हम यहां पर से लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि 7 यहां पर रख लिया जाए, ग्रेटर देन का मतलब राइट साइड, इक्वल टू भी है तो इसको डॉट कर लेंगे, ठीक है,
ये मिल गया इसके लिए सॉल्यूशन, इस टर्म के लिए, पहले केस के लिए। दूसरे केस में माइनस को उधर करेंगे, माइनस को उधर करने के लिए माइनस से गुना, यानी कि साइन हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा माइनस फाइव। ठीक, माइनस टू को उधर कर देंगे कितना हो जाएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस फाइव और प्लस टू, यानी कि माइनस थ्री हो जाएगा। अब इसके लिए साइन स्कीम क्या निकल करके आएगा, ये रहा माइनस थ्री और ये रहा लेस देन, ठीक है, और इक्वल टू भी रहा, ये आ गया इसके लिए। अब सॉल्यूशन कौन लिया जाए, हमारे पास दो केस आ गया। तो जब भी हमारे पास एक से अधिक केस आता है तो ऐसे सिचुएशन में हमको करना क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन करना होता है, हम दोनों को कंबाइन करने वाले हैं, और कॉम्बिनेशन करने के बाद जो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसका इंटरसेक्शन जो आएगा वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि ना तो इसका भाग ना तो इसका भाग, दोनों का भाग क्यों माने, हम दोनों का जो कॉम्बिनेशन करेंगे, दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा हम उसको लेंगे, तो ना तो इसका झगड़ा रहेगा ना इसका झगड़ा रहेगा। आई बात समझ में, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले साइन स्कीम खींच लेते हैं, माइनस थ्री पहले होगा और सेवन ऑब्वियसली उसके बाद में होगा। ये क्या कह रहा है जरा देखा जाए, ये कह रहा है इस तरह का बात कि हमारा वैल्यू सेवन से ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल टू भी होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है माइनस थ्री से छोटा होना चाहिए, मतलब जैसा कह रहा था वैसा मैंने उतार दिया। अब हमको क्या देखने को मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर टोटल सॉल्यूशन ले देंगे, यानी कहां से शुरू हुआ ये, माइनस इनफाइनाइट से माइनस थ्री, और ये कहां से शुरू हुआ, सेवन से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन निकल करके आएगा। ठीक है, कहां से माइनस इनफाइनाइट से माइनस थ्री, और सेवन से कहां चला गया, प्लस इनफाइनाइट तक। दोनों का कलर किया हुआ था इसलिए दोनों पर माइनस थ्री पर भी क्लोज लग गया और सेवन पर भी क्लोज लग गया। अभी लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसको समझिएगा, इसको आपके टेक्स्ट बुक में काफी जटिल तरीके से बताया जाता है। ठीक है, तो उस जटिलता को आपको लेना नहीं है, एकदम इजी वे में मैं समझाता हूं इसे। ठीक है, एकदम इजी वे में पहले टेक्स्ट बुक क्या कहता है वो बता देता हूं। ठीक है, चलिए आप लोग देख रहे होंगे कि ये P बाय क्यू के फॉर्म में दोबारा घूम करके आ गया। ठीक, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में दोबारा घूम करके आया। एक चीज तो तय है, Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, इतना बात तो सबको पता है। अब कोई भी रैशनल नंबर जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव, जीरो से बड़ा मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कब देगा, तो हम कहेंगे कि अगर ऊपर भी पॉजिटिव रहे नीचे भी पॉजिटिव रहे ऑलवेज पॉजिटिव देगा। बहुत सही है, ये हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर मान लिया जाए न्यूमरेटर निगेटिव रहे डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव रहे कभी भी ये जीरो से ग्रेटर नहीं देगा, हमेशा लेस देन जीरो देगा। अगर इसका न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर निगेटिव रहे तब भी क्या देगा, लेस देन जीरो देगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव रहे इसका माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दो सिचुएशन में ये ग्रेटर देन जीरो दे सकता है, एक ये सिचुएशन एक ये सिचुएशन। तुमको क्या करना पड़ेगा, दोनों केस लेकर के चलना पड़ेगा तब जाकर सॉल्यूशन होगा, तो काफी लंबा काम है और इस चीज को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, क्योंकि समय बचाना आपके हाथ में है और जितना समय बचेगा उतना ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है लगभग हर स्टूडेंट को क्या होता है, समय का उसके पास अभाव हो जाता है, पता चलता है कि क्वेश्चन भी खत्म, क्वेश्चन भी बचा हुआ ही है, टाइम खत्म होने को आ गया, इस वजह से छूट जाता है, आते हुए भी छूट जाता है, बिकॉज आपके पास समय का बहुत ही अभाव है, तो उसको बचाएंगे। चलिए देखते हैं, देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, हम डायरेक्ट यहां पर साइन स्कीम लगा देंगे। ठीक है, जब भी देखेंगे पी बाय क्यू और कोई भी साइन है यहां पर ग्रेटर लेस इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कुछ भी रहे, बस राइट साइड को खाली जीरो रखना है। राइट साइड अगर जीरो है, अगर नहीं है तो बना दें, अगर मान लीजिए वन उठाकर इधर कर दें तब तो जीरो हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे पी बाय क्यू। जब भी इस फॉर्म में रहे हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस फॉर्म में रहे, नहीं रहे तो इस फॉर्म में बना लेना, फॉर्म में रहे तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसका साइन स्कीम उतारेंगे डायरेक्ट। ठीक है, साइन स्कीम उतारने के बाद यहां से क्या क्या वैल्यू आ सकता है उसको लिखेंगे, यहां से क्या वैल्यू आएगा टू, चलिए टू लिख दिए, यहां से क्या वैल्यू आएगा माइनस थ्री, पहले होगा टू के लगा दिए। ठीक है, पहला काम ये हो गया, सबसे फर्स्ट काम। ठीक, दूसरा काम क्या कर
करना है, इसको साइनस क्यू में कन्वर्ट करना है, मतलब प्लस माइनस लगाना है, कहां पर प्लस होगा कहां माइनस होगा। सोचिए यहां पर प्लस इंफिनिटी, यहां माइनस इंफिनिटी, ठीक है। दो से बड़ा कोई भी वैल्यू को लेकर के, तीन लेते हैं, नीचे पॉजिटिव ऊपर भी पॉजिटिव, तीन में से दो गया एक, तीन तीन छह, पॉजिटिव है ना, यानी कि ये वाला जो इंटरवल है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जरा माइनस तीन और दो के बीच वैल्यू रख के देखिए, एक रखते हैं एक तीन चार, एक में से दो गया माइनस एक, चार बटा माइनस एक निगेटिव, मतलब ये इंटरवल क्या आ गया निगेटिव। उसी तरह से माइनस तीन से छोटा वैल्यू रखिए, माइनस चार रखिए, माइनस चार माइनस तीन माइनस वन, माइनस चार माइनस दो माइनस छह, क्या आया पॉजिटिव आया। तो इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं कि बार बार चेक करेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर x पॉजिटिव है शुरुआत पॉजिटिव से करना है, अल्टरनेट साइन लगाते जाना है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, जहां तक मिलेगा इंटरवल है ना वहां तक अल्टरनेट साइन लगाते चले जाना है। अगर x कहीं भी निगेटिव है पहले उसको पॉजिटिव बना लीजिए, तब साइन चेंज कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए कि हमारे पास साइन स्कीम तैयार है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेटर लेने या लेस देने। ये ग्रेटर देन लेने के लिए कहा है, ग्रेटर देन किसको इंडिकेट करता है, प्लस को इंडिकेट करता है, ग्रेटर देन प्लस को इंडिकेट करता है। तो जितना प्लस वाला पोर्शन है उसको हम क्या कर दिए, घेर दिए, माइनस वाला पोर्शन नहीं लिए, छोड़ दिए उसको, ठीक है। अब आई बात, यहां पर इक्वल टू तो है नहीं, जो कि हम इसको रंगना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर इक्वल टू रहता तो रंगते इसमें, इसमें रंगते लेकिन इसमें नहीं रंगते, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है कि एक्स का वैल्यू टू नहीं लेना है। अगर कहेगा क्वेश्चन में तब भी इसको नहीं रखेंगे, फिलहाल नहीं कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ गया, माइनस इनफाइनाइट से माइनस थ्री और टू से इनफाइनाइट, है ना, बिना कोई केस लिए चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को फिर से देखें, फिर से उसको समझें, दोबारा रिपीट करें और अपना टेक्स्ट बुक निकाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें।